हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखे सब कुछ में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि फोटोशॉप में इस तरह का स्ट्रॉबेरी स्पाइरल डिजाइन किस तरीके से बनाया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कंट्रोल एन करके एक नई फाइल क्रिएट करेंगे और इसके बाद आप प्रीसेट में जाके यहां से कस्टम पर ओके कर लेंगे और इसके बाद यहां से आप इंचेज पर ओके रखेंगे और यहां से विड्थ और हाइट को आप 6x6 रखेंगे। आप कोई और साइज भी ले सकते हैं अब, क्योंकि हमें स्क्वायर में अपना डॉक्यूमेंट चाहिए तो इसलिए आप विड्थ और हाइट को सेम साइज में रखें। इसके बाद यदि आप स्क्रीन के लिए डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं तो आप यहां से रेजोल्यूशन 72 रखें और इसके बाद यहां से कलर मोड में यदि आप प्रिंटिंग के लिए अपना डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं तो CMYK के कलर पर ओके रखें। अब क्योंकि हम स्क्रीन के लिए बना रहे हैं तो इसलिए हम RGB कलर पर ओके रखेंगे। इसके बाद यहां से बैकग्राउंड कंटेंट पर आप व्हाइट को ओके रखें और उसके बाद यहां से ओके कर लें। अब फ्रेंड्स, इसमें कलर के लिए आप ग्रेडिएंट टूल में जाएं, इस पर क्लिक करें, इसके बाद यहां पर क्लिक करें। अब देखें फ्रेंड्स, आपका यदि यहां पर ये कलर नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप यहां पर आएं और यहां पर किसी भी बॉक्स पर क्लिक कर लें और यहां पर क्लिक करें, इसके बाद इस कलर बॉक्स में क्लिक करें। अब सेम कलर लाने के लिए आप यहां पर D7380B टाइप करें, इसके बाद इसे ओके कर दें। अब व्हाइट कलर लेने के लिए इस पॉइंटर पर क्लिक करें, यहां से इस कलर बॉक्स में क्लिक करें और इसके बाद यहां से व्हाइट कलर को ओके कर लें। अब जरूरत पड़ने पर आप नीचे दिखाई दे रहे स्लाइड को खिसका सकते हैं और इस तरीके से अपने कलर को एडजस्ट कर सकते हैं और इसके बाद यहां से ओके कर दें। अब इस बॉक्स को कहते हैं लीनियर ग्रेडियंट, आपको इसे ओके रखना है और इसके बाद यहां से शिफ्ट की को प्रेस रखें और इस तरीके से लाकर छोड़ दें तो ये यहां पर कलर फिल हो जाएगा। इसके बाद आप फिल्टर में जाएं और यहां से डिस्टॉर्ट और इसके बाद यहां से वेव पर क्लिक कर दें। यहां से देखें, मैंने नंबर ऑफ जनरेटर को 1 रखा है और इसके बाद यहां पर आप स्क्वायर पर ओके रखें और इसके बाद यहां से मिनिमम में 36 और मैक्सिमम में 37 रखा है। आप वेव लेंथ के पॉइंटर को आगे पीछे करके अपने डिजाइन की स्लाइड को घटा बढ़ा सकते हैं और इसके बाद आप यहां पर आएंगे एम्पलीट्यूड में। फ्रेंड्स, यहां से आप अपने कलर में डिफरेंस कर सकते हैं इस तरीके से। अगर मैं इसे पूरा आगे कर दूंगा तो ये पूरा रेड हो जाएगा तो इसीलिए इसे आप इसे थोड़ा पीछे रखें, अपने हिसाब से आप इसे सेट कर लें इस तरीके से। इसके बाद हॉरिज और वर्ट के स्केल को आप 100 पर रखें और यहां से नीचे वाले इस ऑप्शन को रिपीट एज पिक्सल पर ओके रखें और उसके बाद यहां से ओके कर लें। अब आप फिल्टर में जाएं और यहां से डिस्टॉर्ट और इसके बाद आप इस बार पोलर कोऑर्डिनेट पर ओके कर दें। देखिए, यहां पर आपका डिजाइन क्रिएट हो गया है। इस माइनस वाले बटन पर क्लिक करके आप अपने अनुसार इसे छोटा कर लें। यहां से आप रेक्टेंगुलर टू पोलर पर ओके रखेंगे और इसके बाद इसे ओके कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, आपका डिजाइन क्रिएट हो गया है। इसे इस तरीके से घुमाने के लिए आप फिर से फिल्टर में जाएं और यहां से डिस्टॉर्ट और इस बार आप ट्विल पर क्लिक कर दें और इसे यहां से आप छोटा कर लें और फिर इसे ओके कर दें। अब फ्रेंड्स, इस डिजाइन को इस तरीके से बनाने के लिए आप यहां पर आएं और कंट्रोल एन से एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। यहां पर आप पिक्सल रखेंगे इस बार और यहां से 1280 और हाइट को 720 रखेंगे। फ्रेंड्स, ये 1280x720 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि YouTube के लिए जो थंबनेल बनाए जाते हैं वो इसी साइज में क्रिएट किए जाते हैं और इसके बाद यहां से ओके कर लें। अब फ्रेंड्स, इसमें यहां से एक न्यू लेयर लेंगे और इसके बाद यहां से टूल बॉक्स में से आप शेप टूल में आएंगे और यहां से एलिप्टिकल टूल को ओके करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी में आप यहां से शेप को ओके रखेंगे, यहां से नो फिल पर ओके रखेंगे और यहां से मैंने कलर ये वाला लिया है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं और यहां से मैंने साइज को 4 रखा है और यहां से नॉर्मल लाइन को ओके रखेंगे, उसके बाद शिफ्ट की को प्रेस रखेंगे और इस तरीके से क्रिएट करेंगे। ये क्रिएट हो गया। अब इसे सेंटर में करने के लिए कंट्रोल ए करें, इसके बाद मूव टूल को ओके करें और फिर यहां और उसके बाद इस पर क्लिक कर दें। कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर लें और यहां पर राइट क्लिक करें और इसे रास्टराइज लेयर में कन्वर्ट कर लें। अब फ्रेंड्स, यहां पर मैजिक वैंड टूल पर क्लिक करें और इसके अंदर क्लिक कर दें। अब आप अपने पहले वाली लेयर पर आ जाएं, इसे कंट्रोल ए कंट्रोल सी से कॉपी करें, इसके बाद आप पहले वाले डिजाइन पर आएं और यहां से आप एडिट में आएं, इसके बाद पेस्ट स्पेशल और यहां से पेस्ट इनटू पर क्लिक कर दें। ये देखिए फ्रेंड्स, आपका डिजाइन क्रिएट हो गया। ये देखिए इस तरीके से।
इसके बाद इस मैजिक वैंड से फ्री होने के लिए आप यहां पर क्लिक कर दें। अब फ्रेंड इसके बैकग्राउंड में कलर करने के लिए आप यहां पर डबल क्लिक करें और यहां पर ओके कर दें। आप फिर से यहां से ग्रेडिएंट टूल में आएं और यहां से इस पेंट बकेट टूल को ओके करें और यहां से आप कोई एक कलर चूज कर लें और यहां पर ओके करके और फिर इस तरीके से यहां पर कलर फिल कर दें और इससे फ्री होने के लिए यहां पर क्लिक करें। अब बैकग्राउंड में स्ट्रोक देने के लिए आप यहां पर राइट क्लिक करें, यहां से आप ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएं और यहां से स्ट्रोक और उसके बाद यहां पर क्लिक करें और यहां से आप व्हाइट कलर ले लें। इसके बाद यहां से ओके कर दें और यहां पर पोजीशन में जाएं और यहां से इनसाइड को ओके कर दें। अब यहां से आप अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से और उसके बाद यहां से ओके कर दें। अब इन सभी लेयर को सेलेक्ट करके आप कंट्रोल ई से मर्ज कर दें। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप फोटोशॉप में स्ट्रॉबेरी स्पाइरल डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक शेयर और कमेंट, और यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो अगले ट्यूटोरियल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।